इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप ये क्रिक बज एप्लीकेशन यूज़ करते हैं जिसमें कि देखा जाता है मैच लाइव, तो उसको जैसे ही आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाता है नो इंटरनेट कनेक्शन, तो इसका क्या सॉल्यूशन है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखते रहे। तो आपको क्या करना है कि आपको चले जाना है सबसे पहले अपने सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद सबसे पहले जाना है आपको एडिशनल सेटिंग्स में, और एडिशनल सेटिंग्स में जब जाएंगे तो आपको जाना है टाइम एंड जोन में। तो सबसे पहले टाइम एंड नेटवर्क प्रोवाइडर को यहाँ से बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद फिर से ओपन कर देंगे, और यूज़ नेटवर्क प्रोवाइड टाइम जोन को भी यहाँ से ऑन कर देंगे, इनेबल कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि बैक आ जाना है, और बैक आने के बाद आपको क्या करना है कि आपको चले जाना है अपने ऐप्स में, और ऐप्स में जाने के बाद आपको जाना है मैनेज ऐप्स में, और मैनेज ऐप्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है क्रिक बज। इस पे जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको क्या करना है, स्टोरेज पे जाना है और क्लियर डाटा पे जाके क्लियर कैच कर देना है। इसके बाद आपको फॉर स्टॉप पे जाके फॉर स्टॉप कर देना है, और इसके बाद ऐप परमिशन पे जाके यहाँ पे लोकेशन का परमिशन को अलाउ कर देंगे, और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग आपको रिस्ट्रिक्टेड डाटा यूजेज यहाँ पे देख रहा है, तो इन तीनों को अनचेक करके फिर चेक करेंगे, ओके करेंगे। और ओके करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट काम कि इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से जाके इसमें अगर कोई अप टू डेट आया होगा तो अप टू डेट कर देंगे, और इसके बाद अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट करेंगे, और रीस्टार्ट करके यूज़ करेंगे तो इस तरह का नो इंटरनेट कनेक्शन देखने का आपको नहीं मिलेगा, इस तरह का इशू देखने को नहीं मिलेगा, और इसका यही सॉल्यूशन है। अगर यहाँ पे वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।